हेलो दोस्तों, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएम ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको कि नमक कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आपको वो दूर जो पानी दिख रहा है उसको पहले तो पॉइंट वाइज भरा जाता है, मतलब कि खेतों में भरा जाता है और चारों तरफ पाल की जाती है, और उसके बाद उसको महीने दो महीने तीन महीने तक उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि पानी तो वाष्प बन के उठ जाता है और शेष नमक जो बचता है वो भी प्योर नहीं, जो भी बचता है वो वहाँ रह जाता है। और जो आपको इस तरफ दिख रहा है वो है नमक, ये भी प्योर नमक नहीं है। जो मतलब ये दिख रहा है आपको थ्रेसर, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये थ्रेसर दिख रही है। थ्रेसर के द्वारा फिर बाद में इसको मतलब नमक को इकट्ठा करके एक ही जगह ढेर किया जाता है, डूंगर की तरह, मतलब बहुत बड़ा ढेर किया जाता है। अभी तो इसके ऊपर भी और नमक आएगा, जैसे कि आपको दिख रहा दूर दूर तक सब जगह नमक ही नमक, नमक के ढेर ही किए गए हैं ओनली फॉर। ये देखना, ये मतलब ट्रैक्टरों के द्वारा वहाँ से लाया जाता है नमक को, और फिर बाद में यहाँ रखा जाता है। यहाँ रखने के बाद थ्रेसर के द्वारा इनको ऊपर पहुँचाया जाता है, फिर यहाँ से लोड होती है गाड़ियाँ, लोरियाँ लोड होकर फिर फैक्ट्रियों में जाया जाता है। फैक्ट्रियों में जाके फिर वहाँ पे फिल्टर होता है, फिर टाटा नमक सब वहाँ से अलग होता है सर। टाटा बाटा जो भी हो, XYZ जो भी सेल्ट हो, निर्मा, कुछ जो मतलब जितनी भी ब्रांड है वो सब बाद में अलग होती है। और यहाँ से तो सिर्फ एक ही नमक ओनली फॉर ये नमक है आपके सामने दिख रहा जो। चलो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक है। अब हम चलते हैं आगे और आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे।